Hey guys, good afternoon. Una vez más, one more time. तो आज आपके लिए मैं फिर से एक और वीडियो लेके आया हूँ यहाँ एरिजोना से. मैंने आपको पहले यहाँ का नेबरहुड दिखाया था और अब मैं आपको जो नेबरहुड दिखा रहा हूँ वो यहाँ का बड़ा एक्सपेंसिव नेबरहुड है. जितना मुझे लग रहा है ये सबसे एक्सपेंसिव नेबरहुड है, बट मैं आपको 100% नहीं बता सकता. बट ये बहुत एक्सपेंसिव नेबरहुड है और मेरे ख्याल से सबसे एक्सपेंसिव नेबरहुड भी है. यहाँ पे हर एक घर जो आप देख रहे हैं वो 1.5 से लेके 2 मिलियन डॉलर्स तक है. 1.5 मिलियन से लेके 2 मिलियन डॉलर्स तक है घर. और आप ये ज़रूर देखिए और कितने खूबसूरत घर हैं, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे. मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत खूबसूरत घर है. तो प्लीज आप इनको देखिए और एंजॉय करिए. अब मैं आपको ये वाले घर दिखाता हूँ. तो गाइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाले घर. ये जो जिप कोड है ये है एरिजोना का 85044 और ये स्ट्रीट का नाम है इक्वेस्ट्रियन स्ट्रीट. इक्वेस्ट्रियन स्ट्रीट. और अब जो हम क्रॉस स्ट्रीट पे जा रहे हैं उसका नाम है कचीना. इसका नाम है कचीना. और यहाँ पर जो आप घर देख रहे हैं ये हर एक घर जो है इनका लॉट लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का है और जो घर जो बने हुए हैं वो घर ही घर बने हुए हैं लगभग 5,500 स्क्वायर फीट का में. तो आप देख सकते हैं कि दिस इज सो प्रिटी एंड सो नाइस. मैं तो कल यहाँ पे वॉक करने के लिए निकला था तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई हैं क्योंकि इतने खूबसूरत घर मैंने नहीं देखे. हालांकि यहाँ का मौसम जो है वो इतना अच्छा नहीं है, समर्स में इतना अच्छा नहीं है, पर हाँ घर यहाँ के बहुत खूबसूरत हैं और मतलब काफ़ी सारे घर नए बने हुए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं. कैलिफोर्निया के जो घर हैं वो काफ़ी पुराने हैं और ऐसे नए बने हुए घर आपको कैलिफोर्निया में नहीं देखने को मिलेंगे. शायद कोई एक दो कोई हो तो कोई हो, पर नहीं है वहाँ पे. आमतौर पे इतने अच्छे घर बने हुए आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने अच्छे घर बने हुए हैं. ज़्यादातर यहाँ पे जो घर हैं उनमें 5 बेडरूम 5 बाथ है और कई सारे घरों में यहाँ पे 7 बेडरूम्स 6 बाथ हैं. और इनका आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका आर्किटेक्चर है. और बहुत ही मुझे नहीं पता था यहाँ पे ऐसे घर हैं. मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक चांस की बात है कि मैंने ये वाले घर मतलब मैंने यहाँ पे एयरबीएनबी बुक करी और उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ के घर देख सकूँ. तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे घर एग्जिस्ट करते हैं या ऐसे घर एरिजोना में हैं. आप देख सकते हैं अभी सुबह के 11:15 बज रहे हैं और एक ये लेडी जो है ये डॉग्स लेके जा रही है. आप ये देख सकते हैं ये वाला घर सेल पर है. ये 1.5 मिलियन का है, ये मैंने कल पता किया था. इसके जो टैक्सेस हैं वो साल के हैं $10,250. तो वो जो है यहाँ के ये टैक्सेस हैं. और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही सुंदर देखने में कि आप देखें और आपको मज़ा आ जाए. वेरी नाइस, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे. आपको सब कुछ कैमरे पे दिख रहा होगा कि कितने अच्छा तरीके से जो है ये घर बनाए हुए हैं और कितने प्यारे घर बने हुए हैं. कोई यहाँ पे रहे तो उनको मज़ा आ जाए. और ये पूरे जो हैं घर जो हैं ये बहुत दूर तक स्ट्रेच करते हैं, ये बहुत दूर तक स्ट्रेच करते हैं. ये लगभग लगभग
ये जो है पूरा जो इनका रेडियस है इन घरों का वो है लगभग 5 miles का। और अभी यहाँ पे घर आप देखेंगे थोड़े से छोटे होना स्टार्ट हो गए हैं। ये एक और बड़ा घर आ गया है यहाँ पे। अब मैं आपको जो है दूसरी साइड से दिखाऊंगा। ये मैं ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं ये छोटे में करके जो है इसको ख़त्म कर दूँगा इस वीडियो को। ये आप देखिए वेरी नाइस। इनकी जो लैंडस्केपिंग भी है वो भी काफ़ी अच्छी हुई भी है। इट्स मतलब इसको मेंटेन ही करना बहुत एक्सपेंसिव है। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन ऑल दिस। इट्स नॉट इजी एट ऑल। आपको मैं थोड़ा सा इस तरफ लेके जाता हूँ। देखिए आपने ये वाला घर देखा आपने। दिस हाउस इज सो नाइस। ये वाला घर वेरी नाइस हाउस। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और मैंने कुछ खाया भी नहीं है तब भी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया है। मतलब इट्स लाइक ड्रीम हाउस। जैसे सपने में कोई घर देखता है ना कि कोई घर ऐसे हो, सपने में कोई देख सकता है। मतलब सपने में आते होंगे ऐसे घर। या यहाँ पे मूवी शूटिंग भी हो सकती है क्योंकि इतने बढ़िया घर है यहाँ पे कि मतलब इनकी लफ्जों में आप तारीफ नहीं कर सकते। लफ्जों में इनकी तारीफ करना बहुत मुश्किल है। तो हम आ गए इक्वेस्ट्रियन स्ट्रीट पे। और मैं बस यही चाहता हूँ कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊँ। मैंने आपको जो लास्ट वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने आपको घर दिखाए थे, वो घर में और इन घरों में कितना ज़्यादा वेरिएशन है आप देख लीजिए। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंट नेबरहुड था, ये एक डिफरेंट नेबरहुड है। और यहाँ पे जो घर हैं वो कस्टमाइज्ड हैं और दूसरा घर एक जैसा नहीं है, लेकिन तब भी एक तरीके का पैटर्न आपको दिख रहा है। साइड वॉक्स यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पता किया था कि जो घर पुराने हैं, हिस्टोरिकल हैं, उनको सिटी टच नहीं करेगी। जो अब यहाँ पे नई सिटी सेटल हो रही है या बन रही है वहाँ पर जो है स्टेट और सिटी वहाँ पे साइड वॉक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घर होते हैं ख़त्म। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने पहाड़। और यहाँ पे आगे जाके गैस स्टेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आगे जाके पहाड़ हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी नाइस व्यू। और मतलब मैं क्या बताऊं कि ऐसा व्यू, इट्स लाइक जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं दे आर लिविंग अ ड्रीम। वो एक सपना जी रहे हैं कि ऐसे घर में रहना कोई बहुत ही कोई लकी होता होगा जो यहाँ पे रहेगा। क्योंकि ये घर भी एक तो खूबसूरत है ही,
पर अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो इनकी मेंटेनेंस थोड़ी सी हाई है और घर को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। प्लस बिकॉज घर इतने बड़े हैं तो इनके जो एसी के बिल आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे जो आपकी गाड़ी की पेमेंट है उससे डबल तो एसी के बिल ही हैं यहाँ पे। तो गाइज आई होप कि आपने मेरा वीडियो इन्जॉय करा होगा और मैं आपको और ऐसी वीडियो दिखाऊंगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड आई होप कि आपने मेरा वीडियो इन्जॉय करा होगा। आप किस तरीके के वीडियोस और देखना चाहते हैं, अगर आपको ये एरिजोना में, क्योंकि मैं अभी एरिजोना में थोड़े दिन और हूँ, तो अगर आप कोई एरिजोना में अगर आप कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं ज़रूर कोशिश करके मैं आपको वो वाला वीडियो और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ओके गाइज, हैव अ गुड डे एंड ब्लेस्ड डे एंड एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय माय वीडियोस एंड हैव अ गुड डे।